Hey everyone, welcome back in new video. So guys, यार आज का जो वीडियो है थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि ये जो प्लेस है वो हमारे स्पेस से जुड़ा हुआ है और मैं जिस प्लेस पे आया हूँ उसका नाम है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। सो आपको पता होगा कि ऐसी नक्षत्रशालाओं की बहुत सारी ब्रांचेज इंडिया के सभी स्टेट में आपको देखने को मिलती हैं। सो आप इस इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का जो एड्रेस है वो आप देख सकते हो। और आपको बता दूं कि इस इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में डिफरेंट शोज होते हैं दिन में, जैसे कि अभी मेरा जो शो है वो 4:45 से स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ का टिकट आप देख सकते हो 25 रुपये पड़ता है पर हेड। और टिकट लेने के बाद अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो मैं कर चुका हूँ अब अंदर एंट्री और अंदर चल के देखने वाले हैं कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो आप इस बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर को है वो देख सकते हो, बिल्कुल शनि ग्रह की तरह बनाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शनि ग्रह को कंप्रेस कर दिया हो और इस स्थान पे आके रख दिया हो। सो अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का व्यू। तो ये रहा अंदर का व्यू। आप देख सकते हो कि स्पेस से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे थियरी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल भी करने को मिल जाता है। सो आप ये देख सकते हो जो हमारे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, और भी जो भी अंतरिक्ष यात्री जो डिफरेंट देश के लोग जो गए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। और ये रहा राकेश शर्मा का स्टैचू। हम आप देख यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। स्पेस शटल के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ मार्स के लैंड के बारे में बताने की कोशिश की गई है। जब यहाँ से लैंडर भेजा जाता है तो वहाँ पे वो कैसे वर्क करता है। आप जो देख रहे हैं ये प्रक्षेपण यान है, जिसमें हमारे जो सैटेलाइट होते हैं उनको भेजा जाता है। और ये जो प्रक्षेपण यान होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है PSLV और एक होता है GSLV। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे क्या होता है। ये यहाँ पे इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है कि ये इसकी क्षमता कितनी होती है, कितना ये वेट लिफ्ट कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत देश PSLV और GSLV में बहुत आगे जा चुका है, इसीलिए काफ़ी प्राउड फील होता है। तो यहाँ पे आपको अंतरिक्ष से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, कितने टाइप की सैटेलाइट होती हैं, कितने टाइप के प्रक्षेपण यान होते हैं, आपको डिटेल में आपको देखने को मिलेगा लगभग सारी चीज़। तो गाइज मेरे शो का जो टाइम हो चुका है, अब हम चलते हैं शो के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। और आपको बता दूं यहाँ पे मास्क जो है वो कंपलसरी है, विदाउट मास्क आप एंट्री मत कीजिएगा। तो फाइनली गाइस जो शो था वो अब ख़त्म हो चुका है। और शो देखने के बाद अब मैं आया हुआ हूँ बाहर, और इसका जो व्यू है वो आप देख सकते हो ऊपर का। ये आप यहाँ का जो गार्डन है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। वैसे एक चीज़ है, डेकोरेशन का हर जगह लगभग ख्याल रखा जाता है। और ये रही जो मेन बिल्डिंग थी जो शनि आकार की। तो इस नक्षत्रशाला का जो बाहर का व्यू है वो आप देख सकते हो।
मैं अभी आया हूँ इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला के जस्ट पास में पड़ता है ये सूरज कुंड पार्क। आप देख सकते हो इस पार्क को भी काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पेड़ों से इसको सुसज्जित किया गया है। तो ये जो आप लाल पत्थर की जो शिलालेख देख रहे हैं, इन पत्थरों के ऊपर लगभग सभी ग्रहों के बारे में डिटेल में लिखा गया है और यहाँ पे आके आप इनको पढ़ सकते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को हमेशा खुशी देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।